Hello everyone, so welcome you all in the virtual classes of control system. So today we will be taking a topic from unit number 3, that is Routh-Hurwitz criteria. So in this particular video, you will be getting to know what actually the stability is all about. Although I have discussed about the stability regarding the asymptotic stability and bounded input bounded output stability, even though I will try to put emphasis again and try to conceptualize the concept of stability with review points, then we will focusing on absolute stability, relative stability, and further moving ahead, we will try to solve Routh-Hurwitz questions by forming the Routh array, and we will see what are the necessary and sufficient condition to analyze and judge about the stability. Okay, and in the second part of this particular video, we will be focusing on limitation advantages, and we will take some special cases. Okay, with numericals. Okay, so let's start with the concept of stability again. So I already told you that a system response, okay, a time domain response is basically clubbed into, if we understand the time domain response, what we will see that a total response is basically what? It would be zero state response plus zero input response. Okay, and I also told you there is another interpretation of total response, that is the forced response and natural response. Okay, now ZSR is basically what? ZSR is basically zero state response. Okay, and ZIR is basically zero input response. Zero input response. As I told you earlier, that zero state response basically comes when you are having input into consideration. ठीक है, ZSR तब आपका तभी आएगा जब आपके पास सिस्टम को आपने क्या प्रोवाइड किया होगा, इनपुट प्रोवाइड किया होगा. ठीक है, और सिस्टम अपनी स्टेडी स्टेट पोजीशन पे अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन को या भी जो भी सेट पॉइंट है उसको अचीव करता है, उस पर्टिकुलर रिस्पांस को हम ये जो पार्ट है रिस्पांस का इसको बोलते हैं ZSR. और जीरो इनपुट रिस्पांस वो रिस्पांस होता है जब आप सिस्टम में कोई भी इनपुट नहीं दे रहे हैं और सिस्टम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, या सिस्टम में किसी भी तरीके के ट्रांजिएंट्स हैं और स्टेडी स्टेट या फिर इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, सिस्टम ऑब्टेन कर रहा है एट टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट. ठीक है, सिस्टम में टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे आपका होगा क्या, आपने जो भी रिस्पांस था आपका उसमें कोई भी आपने इनपुट नहीं प्रोवाइड किया हुआ है. तो जब इनपुट प्रोवाइड नहीं किया है तो स्टेडी स्टेट पे या फिर आप कह सकते हो टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे सिस्टम क्या होगा, पूरी तरीके से डिके हो जाएगा और वो डिनोट करेगा एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी. तो यहाँ पे जो ये नेचुरल रिस्पांस का कॉन्सेप्ट है, नेचुरल रिस्पांस का मतलब क्या होता है, जब आप सिस्टम में कोई भी इनपुट नहीं दिए हैं और सिस्टम की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है कि सिस्टम के पास क्या है, कुछ स्टोरिंग एलिमेंट्स हैं और उन स्टोरिंग एलिमेंट्स के कारण सिस्टम क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है. तो हो क्या सकता है, वो तीन तरीके की कैटेगरी के केसेस मिलेंगे आपको. सिस्टम या तो स्टेबल होगा, या तो अनस्टेबल होगा, या तो सिस्टम क्या होगा, मार्जिनली स्टेबल. अगर सिस्टम स्टेबल है तो उसका नेचुरल रिस्पांस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि आपका इनपुट आपने क्या दिया है, यहाँ पे कोई भी इनपुट नहीं दिया, बिकॉज इनपुट इज जीरो, इनपुट आपका क्या है, जीरो है, बट रिस्पांस स्टार्टिंग में था. क्यों रिस्पांस स्टार्टिंग में था, क्योंकि इनिशियल कंडीशन के कारण आपके सिस्टम में या आपके प्लांट या प्रोसेस में कुछ इस तरीके के स्टोरिंग एलिमेंट्स थे जिनमें कुछ डायनेमिक्स था और वो डायनेमिक्स के कारण सिस्टम की जो एनर्जी स्टेट्स थी वो चेंज हुई और समय के साथ क्या हुआ, अगर टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट इंटरवल पे देखा जाए, इनफाइनाइट का मतलब है काफी समय बाद, टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट का मतलब क्या है, काफी समय बाद, और कुछ समय बाद क्या होगा, अगर रिस्पॉन्स अपनी इनपुट वैल्यू जो कि जीरो है उसको अचीव कर लेता है तो ऐसे सिस्टम क्या होते हैं, हमारे स्टेबल सिस्टम होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं when input is zero, response is coming just because of storing elements. Response is just coming just because of storing elements. ठीक है, और time
टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट पे सी ऑफ टी की वैल्यू अगर देखा जाए, टाइम टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट में अगर सी ऑफ टी की वैल्यू भी जीरो हो जा रही है हमारी, तब सिस्टम क्या है? स्टेबल। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है कि टाइम टी टेंडिंग टू इनफाइनाइट में जो सी टी रिस्पॉन्स है उसकी वैल्यू नहीं जीरो होती है, तो हम ये बोलेंगे कि सिस्टम क्या है? अनस्टेबल है। और अगर ऐसा होता है कि कोई सिस्टम मार्जिनली स्टेबल है, तो उसका ये मतलब है कि वो जो उसका नेचुरल रिस्पॉन्स है सिस्टम का, वो डिके नहीं हो रहा है और ना वो बढ़ रहा है, वो सस्टेन्ड ऑसिलेशन उसमें कंटिन्यूअसली है। तो ऐसा सिस्टम जो होगा वो मार्जिनली स्टेबल सिस्टम के बारे में हम बात करते हैं। तो ये जो नेचुरल रिस्पॉन्स है, ये नेचुरल रिस्पॉन्स को अगर आप देखेंगे तो इसको कब बोला जाता है? एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। याद रखिएगा, नेचुरल रिस्पॉन्स से आपको क्या मिलेगा? एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी मिलेगा। और यहाँ पे आपको जो रिस्पॉन्स इन्वॉल्व हो रहा है वो आपका हो रहा है जेड आई आर हो रहा है, मतलब जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। और इनिशियल कंडीशन के कारण आपका रिस्पॉन्स आ रहा था, बट कुछ समय बाद वो भी क्या हो गया? जीरो हो गया। दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा बीबो डिफिनेशन है। बीबो का मतलब क्या है? हमारी ये एक्सटर्नल स्टेबिलिटी है और यहाँ पे हम टोटल रिस्पॉन्स कंसिडर करते हैं। याद रखिएगा, जो हमारा बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट की जो डिफिनेशन है, यहाँ पे हम लोग टोटल रिस्पॉन्स को कंसिडर करेंगे, जिसमें आपका ZSR भी आएगा और ZIR भी आएगा। मतलब कहने का मतलब है सिस्टम में फोर्स रिस्पॉन्स और नेचुरल रिस्पॉन्स दोनों आएंगे सिस्टम में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कंसिडरेशन लिया जाता है कि सिस्टम तभी स्टेबल होगा जब आपने कोई बाउंडेड इनपुट प्रोवाइड किया है और सिस्टम का बाउंडेड आउटपुट आए। ठीक है, तो अगर सिस्टम में ऐसा नहीं होता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। तो सिस्टम क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। याद रखिएगा, ये जो बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट कॉन्सेप्ट है, ये टोटल रिस्पॉन्स को बता रहा है और साइमल्टेनियसली ये बताता है हमें एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के बारे में। ये हमको क्या बताता है? एक्सटर्नल स्टेबिलिटी के बारे में। और ये जो एसिम्प्टोटिक स्टेबिलिटी है, जो नेचुरल रिस्पॉन्स के कारण हमको मिल रही है, ये बेसिकली हमारी इंटरनल स्टेबिलिटी है। याद रखिएगा, दिस इज इंटरनल स्टेबिलिटी। ठीक, मैंने ऑलरेडी इसके ऊपर काफी न्यूमेरिकल्स आप लोग को पिछले लेक्चर में बता भी रखे थे और बीबो डिफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट केस भी बता रखा था पोल जीरो कैंसिलेशन का। तो वहां पर अगर आप जाएंगे तो आप बीबो डिफिनेशन को अच्छे से इंटरप्रेट कर पाएंगे। ठीक है, बस खास बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि जो भी आपका जो भी आप एरिया कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है, वो एरिया विद इन इंटीग्रेशन से जो आपको मिल रहा है वो क्या होना चाहिए? फाइनाइट होना चाहिए और समय के साथ बढ़ना नहीं चाहिए। इट शुड बी फाइनाइट। इसका मतलब ये जो भी सिस्टम होना होगा हमारा, जिसका हम रिस्पॉन्स ले रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? इंटीग्रेबल होना चाहिए। अगर वो इंटीग्रेबल है तो आप ये कह सकते हो कि हमारा सिस्टम क्या है? बाउंडेड इनपुट बाउंडेड आउटपुट स्टेबल है। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली फंडामेंटल था स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट का। अब मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड वी विल ट्राई टू एनालाइज नाउ द लाउथ-हर्विट्ज क्राइटेरिया व्हिच इज द एक्सटर्नल व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू प्रोवाइड यू इंटरप्रिटेशन ऑफ एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑल्सो। देखिए, जो हमारी एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी है, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का इंटरप्रिटेशन ये है कि आप ये बताएंगे सिस्टम स्टेबल है या नहीं, यस और नो। इसका मतलब क्या है? सिस्टम क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस जो मेजर होती है इसमें, वो बेसिकली इंटरप्रिटेशन है हमारा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी का। ठीक है, तो वेदर द सिस्टम इज स्टेबल और अनस्टेबल। रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? कि सिस्टम स्टेबल है बट कितना स्टेबल है। ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? सिस्टम स्टेबल है तो कितना स्टेबल है। तो इसका मतलब क्या है? हाउ फास्ट ट्रांजिएंट्स डिके। अब यहां पे इसके दो इंटरप्रिटेशन आपको मिलेंगे। एक इंटरप्रिटेशन तो ये मिलेगा कि हाउ फास्ट ट्रांजिएंट्स डिके, और दूसरा इंटरप्रिटेशन क्या होगा? आपको कंपैरेटिव एनालिसिस भी मिल जाएगी। ठीक है, कंपैरेटिव एनालिसिस भी मिल जाएगी। अगर आपने डोमिनेंट पोल के कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप वहां पे कंपैरेटिव एनालिसिस भी चेक कर सकते हो, किसी पोल के कारण हमारा जो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स है वो कैसे डिके हो रहा है, कितना फास्ट डिके हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में मिल जाएगी। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी बेसिकली डील्स विद डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी। अच्छा, हाउ फास्ट ट्रांजिएंट डिके का मतलब क्या है? आपका आपके अगर मल्टीपल पोल्स है, एक पोल हमारा यहाँ पे है,
ओरिजिन के पास में है और दूसरा पोल हमारा ओरिजिन के डिस्टेंस पे है, तो अगर मान लेते हैं ये ओरिजिन के पास वाला पोल P1 है और ओरिजिन से जो दूर है वो पोल हमारा P2 है, तो यहाँ जो P2 में क्या होगा, यहाँ पे जो भी ट्रांजिएंट होंगे वो डिके होंगे फास्ट, ठीक है। तो क्लोजर टू दी ओरिजिन का जो कॉन्सेप्ट है वो उन्होंने डोमिनेंट पोल के कॉन्सेप्ट में पढ़ा था, ठीक है। अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं जो राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया है। तो राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया में बेसिकली क्या है कि ये जो राउथ और हर्विट्स क्राइटेरिया है ये दो अलग अलग हमारे मैथमेटिशियंस हैं और ये 1831 के आसपास हमारे जो एडवर्ड जॉन राउथ हैं इन्होंने राउथ एरे का कॉन्सेप्ट दिया और काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है और आज भी हम लोग इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी आइडिया हो एनालॉग कंप्यूटर्स के बारे में या फिर जो भी हम आज के समय पे तो बेसिकली मॉडर्न कैलकुलेटर्स आ चुके हैं, डिजिटल कैलकुलेटर्स आ गए हैं, तो चीजें बहुत सिस्टमेटिक और हमारे लिए फिजिबल है। ये रूट्स क्या है हमारे, ये सब चीजों को हम बहुत आसानी से एनालाइज कर सकते हैं। बट उस समय क्या था कि 1831 के आसपास ये कॉन्सेप्ट्स हमारे पास थे नहीं, तो हमारे जो ये हमारे एडवर्ड जॉन राउथ थे इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया है ये 1853 के आसपास ये कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने 1853 के आसपास राउथ एरे के बारे में बात की और कुछ एल्गोरिदम्स बनाए राउथ एरे के, ठीक है। और इसके इन एल्गोरिदम्स के कारण सिस्टम के जो स्टेबिलिटी के बारे में, एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में हम एक जजमेंट ले सकते थे, ठीक है। और आपको ये मालूम होना चाहिए जो ये एडवर्ड जॉन राउथ हैं इनके दो स्टूडेंट्स भी थे जिनका नाम बहुत ही फेमस है, अगर आपको मालूम होगा इनका नाम जो था वो हमारा जे जे थॉम्सन था और एक आपको मालूम होगा जॉर्ज डार्विन, तो ये इनके नोटेबल स्टूडेंट्स थे उस समय पे। और इसी तरीके से एडॉल्फ हर्विट्स भी राउथ एरे जैसा ही कॉन्सेप्ट था, वो डिटर्मिनेंट्स ऑफ या फिर हर्विट्स डिटर्मिनेंट्स के ऊपर काम कर रहे थे और इन्होंने भी कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो इनका भी जो कॉन्सेप्ट था इन्होंने ये जो राउथ बेसिकली हर्विट्स डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया था ये 1877 के आसपास इन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया था रिसर्च एरिया और एडॉल्फ हर्विट्स का हर्विट्स डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट आया। तो राउथ और हर्विट्स ने मिलकर एक राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया बनाया जिससे हम सिस्टम की एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं टाइम डोमेन में और साइमल्टेनियसली हम ये भी जान सकते हैं कि जो गेन होता है सिस्टम का उसको क्लोज लूप सिस्टम अगर हमारा अनस्टेबल हो रहा है तो गेन को कैसे बढ़ाया जाए कैसे घटाया जाए और अगर हमारे पोल्स LHP पे लाई करते हैं या RHP पे लाई करते हैं या J ओमेगा एक्सिस पे लाई करते हैं तो हम नंबर ऑफ पोल्स के बारे में पता कर सकते हैं कि कितने ऐसे पोल्स हैं जो LHP पे लाई करेंगे या RHP पे या J ओमेगा एक्सिस पे, बट हम उन पोल्स की वैल्यूज नहीं जान पाएंगे। बट ये जान जाएंगे कि हमारे पास अगर कोई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो उसमें नंबर ऑफ पोल्स कितने LHP RHP और J ओमेगा एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, इन सारी चीजों के बारे में हम इंटरप्रिटेशन निकाल लेंगे, ठीक है। और सबसे अच्छी बात है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन भले ही हमारी हायर ऑर्डर की इक्वेशन हो हमें उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारा बेसिकली एडवर्ड जॉन राउथ और एडॉल्फ हर्विट्स का जो कॉन्सेप्ट है राउथ हर्विट्स कॉन्सेप्ट, इसमें बेसिकली इन्होंने ये बात करी है कि जो राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया है यहाँ पे एक तरीके का एरे बनाया जाता है जिसको बोला जाता है राउथ एरे और ये जो एरे बनता है ये कोफिशिएंट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से बनता है और इन्होंने ये भी बताया कि जो फर्स्ट रो होती है एरे की उसमें हमारे पास जो एलिमेंट हो सकते हैं वो फर्स्ट थर्ड फिफ्थ या फिर सेकंड रो होगी हमारी वो सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ कोफिशिएंट की हो सकेगी। तो हमें ये सारी चीजें इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या अल्टरनेट वैल्यूज के फॉर्म में रोज को अरेंज करना है, ठीक है। अगर हमारे पास इवन टर्म्स है तो इवन टर्म्स को एक रो में रखना है, ऑड टर्म्स है तो ऑड टू में, तो फर्स्ट और सेकंड रोज के थ्रू हम चीजों को चैनलाइज करेंगे और फिर डिटरमिनेंट मेथड के थ्रू हर्विट्स के क्राइटेरिया को लगा के हम राउथ स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को एनालाइज करेंगे। तो मोर और लेस अगर हमने देखा जाए अगर राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया के बारे में क्या क्या पॉइंट्स कवर अप किए गए तो इनके ऊपर थोड़ी सी अगर ब्रीफिंग देखें तो हमें क्या क्या पता चलता है, मैं आपको यहाँ पे लिस्टिंग करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, आप ध्यान से इन सारे पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले की बात ये है कि हम लोग यहाँ पे राउथ हर्विट्स क्राइटेरिया से एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा एब्सोल्यूट स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं। हम सिस्टम की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात कर सकते हैं कि सिस्टम में ट्रांजिएंट हमारे कितनी जल्दी डिके हो रहे हैं, ठीक है। एक कंपैरेटिव एनालिसिस के बारे में बात कर सकते हैं जो कि डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी से रिलेट करती है रिलेटिव स्टेबिलिटी। हम सिस्टम में ये भी जान सकते हैं कि सिस्टम में कितने नंबर ऑफ पोल्स हैं, नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं सिस्टम में, ठीक है, नंबर ऑफ पोल्स LHP में कितने हैं, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड प्लेन पे कितने हैं,
RSP पे कितने, राइट हैंड साइड प्लेन पे कितने हैं और कितने जे ओमेगा एक्सिस पे हैं, ठीक। नंबर ऑफ पोल्स याद रखिएगा, वैल्यू नहीं, नंबर ऑफ पोल्स, ठीक है। और सिस्टम में हम ये भी जान सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि वी डोंट हैव टू सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, वी डोंट हैव टू सॉल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ओके। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। इतनी सारी चीजें हम लोग बेसिकली डिटरमाइन कर सकते हैं राउत क्राइटेरिया से। तो और ये दो कंडीशंस के ऊपर डिपेंडेंट है। एक कंडीशन है हमारी नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशंस में अगर देखेंगे तो वो भी मैं आपको बता देता हूं कि नेसेसरी कंडीशन क्या है हमारी। तो सपोज करिए नेसेसरी कंडीशन को देखा जाए। नेसेसरी कंडीशन का मतलब क्या है कि अगर कोई भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है तो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में कोई भी मिसिंग कोफिशियंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नो मिसिंग कोफिशियंट ऑफ एस इन करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है। दूसरी चीज ध्यान रखनी है कि जो भी कोफिशियंट है, ऑल कोफिशियंट्स should have सेम साइन। अगर पॉजिटिव है तो सारे पॉजिटिव हो, और अगर हमारे पास नेगेटिव है तो सारे नेगेटिव हो, क्योंकि जब हम करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को जीरो कर देंगे तो नेगेटिव साइन ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशियंट कंडीशन में देखा जाए तो सफिशियंट कंडीशन ये कहती है कि जितने भी हमारे नंबर ऑफ पोल्स हैं, वो सब कहाँ पे लाई हो, हमारे लेफ्ट हैंड साइड प्लेन पे लाई हो, ठीक है। तो ये बेसिकली कंडीशंस है, इनसे हम लोग चीजों को एनालाइज करते हैं। अब जानते हैं, देखिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई, ये कैसे आई, ठीक है। तो आप देखिए, कोई भी अगर सिस्टम है हमारा, तो वो सिस्टम क्या होगा, क्लोज लूप सिस्टम होगा, ठीक है। उस क्लोज लूप सिस्टम का क्या होगा, हमारा फॉरवर्ड गेन होगा और उसका क्या होगा, फीडबैक गेन होगा। और इस पर्टिकुलर क्लोज लूप सिस्टम को हम एक ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर फंक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जीएस हमारा क्या है, फॉरवर्ड गेन है, या फिर आप कह सकते हो ये हमारा प्लांट का गेन है। और जीएस बेसिकली पूरी मॉडलिंग है हमारे पास, जो भी हमारे पास इस प्लांट के अंदर जो भी कंपोनेंट्स लगे होंगे उनको मैथमेटिकल इक्वेशन से लाप्लास डोमेन में कन्वर्ट करके हम लोग उनको जीएस कैलकुलेट कर सकते हैं, इसी तरीके से एचएस। और इस जीएस और एचएस से हमको सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे एक इंटरप्रिटेशन मिलता है ट्रांसफर फंक्शन का, और वो जो इंटरप्रिटेशन है वो बेसिकली क्या है, सीएस बाई आरएस है। अगर सीएस बाई आरएस एक हमारा स्ट्रिक्ट ट्रांसफर फंक्शन है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, हमारे पास ये जो डिनोमिनेटर अभी आएगा यहाँ पे, वहां पे आप देखेंगे डिनोमिनेटर की जो पावर होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू न्यूमरेटर की पावर के बराबर। तो ये चीज ध्यान रखिए, चाहिए डिनोमिनेटर हमारा क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, और डिनोमिनेटर की पावर क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। और जितने भी कोफिशियंट्स हैं डिनोमिनेटर के, वो हमेशा क्या हो जाने चाहिए, रियल होने चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं होना चाहिए, ठीक। तो अगर हम इसको, इस इक्वेशन को एक फॉर्मेट में लिखें जिससे हम चीजों को एनालाइज कर सकें और राउत हर्विट्ज़ क्राइटेरिया के बारे में बात कर सके, तो हम लिख सकते हैं सी एस बाई आर एस को लिख सकते हैं। सपोज करिए बी नॉट एस एम प्लस बी वन एस एम माइनस वन, इसी तरीके से इसको प्रोसीड करेंगे तो ये आ जाएगा बी टू एस एम माइनस टू, और फर्दर मूविंग अहेड लास्ट का जो टर्म आएगा वो मान लेते हैं हमारा आ जाएगा, उसको मान लेते हैं इट कम्स टू बी बी एम। इसी तरीके से डिनोमिनेटर पे सपोज करिए हमारे पास इक्वेशन आती है डिनोमिनेटर में, जो कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, वो बिल्कुल जो आपकी अभी देखिए यहाँ पे लिखी हुई है एस एन प्लस ए वन एस एन माइनस वन प्लस ए टू एस एन माइनस टू, और ये इक्वेशन भी फर्दर प्रोसीड करती है, और यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे आ जाता है टर्म ए एन। तो अब ये जो इक्वेशन है डिनोमिनेटर की इक्वेशन है, इसी के एनालिसिस हम पूरे अभी टाइम डोमेन एनालिसिस में कर रहे थे, और यही बेसिकली इक्वेशन है, और इसी को क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और ये वैल्यू क्या होती है, इसको मान लेते हैं fs, या फिर कुछ बुक्स में इसको क्या माना गया होगा, qs माना गया होगा। तो अगर हमने यहाँ पे इसको qs माना है, तो let us assume it as qs, हम इसको qs ही मान लेते हैं,
तो ये हमारा क्या हो गया QS, और यहां से जब हम इसको जीरो रख देंगे तब हमको क्या मिल जाएगा, पोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, हमें अब क्या करना है यहाँ पे, ये बेसिकली करेक्टरिस्टिक इक्वेशन का इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, ये हमारा ये जो ओवरऑल सिस्टम है, ये यहाँ पे खास बात याद रखनी है आपको कि जो भी ट्रांसफर फंक्शन आपको मिल रहा है, ठीक है, जो भी ट्रांसफर फंक्शन मिल रहा है अगर वो प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है, तो याद रखिएगा क्या कंडीशन बताई है कि जितने भी करेक्टरिस्टिक, सबसे पहली बात है जितने भी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जो जितने भी कोफिशिएंट्स हैं, ये ए नॉट, ए वन, ठीक है, ए टू, ये सब क्या होने चाहिए, हमारे रियल होने चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिए, तब नहीं है क्योंकि ये सारे कोफिशिएंट क्या होंगे, हमारे रियल होंगे। और इसी तरीके से हमारे ये जो बी नॉट, बी वन, बी टू, ये सारे कोफिशिएंट्स क्या होंगे, कांस्टेंट और रियल। ध्यान रखिएगा ये हमारे क्या होंगे, यहाँ पे भी कांस्टेंट लिख दे रहे हैं, कांस्टेंट और रियल होने चाहिए, पहली कंडीशन प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन के लिए, फर्स्ट कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी ऑर्डर होगा, जो भी ऑर्डर होगा डिनोमिनेटर का, वो हमेशा क्या होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए न्यूमरेटर के ऑर्डर से। अगर ये दो कंडीशन फॉलो होती है तब हम कह सकते हैं कि हमारा ट्रांसफर फंक्शन हमारा क्या है, प्रॉपर ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक, अब यहाँ पे ये सारी चीजों को एनालाइज किया हमने, हमें इस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कंसीडर करना है फॉर दी राउत एरे, हमें इसको क्या करना है, राउत एरे के लिए इसको एनालाइज करना है। ठीक, तो अब हम लोग अगली स्लाइड पे जानते हैं और राउत एरे से बनाएंगे और उससे हम उस चीजों को एनालाइज करेंगे। ठीक है, सो मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड हियर बाय, अब हम लोग यहाँ पे देखिए राउत एरे बनाया हुआ है हम लोगों ने। यहाँ पे क्या है, जो अभी मैंने आपको बताया था, हमें तीन इसमें इंपॉर्टेंट चीजों पे ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन को देखना है। सबसे पहले नेसेसरी कंडीशन को देखना है, क्या सारे कोफिशिएंट्स का साइन क्या है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखिए ए नॉट भी पॉजिटिव है, ए वन भी हमारा क्या है, पॉजिटिव, ए टू भी हमारा क्या है, पॉजिटिव, इस तरीके के सारे कोफिशिएंट्स क्या है हमारे, पॉजिटिव। तो एक कंडीशन फुलफिल हुई। दूसरी बात, दूसरी कंडीशन हमको ये बताती है कि कोई भी हमारे पास मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। मतलब अगर s की पावर n आ रहा है, उसके बाद s की पावर n माइनस वन आ रहा है, तो n माइनस टू आना चाहिए। इसी तरीके से s की सारी पावर्स होनी चाहिए, कोई भी मिसिंग टर्म नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो नेसेसरी कंडीशन है उससे हम ये कह सकते हैं कि अभी ये सिस्टम स्टेबिलिटी के ऊपर हम बात कर सकते हैं। अगर कोई मिसिंग टर्म होगा तो आप ये डेफिनेटली मान के चलिए सिस्टम अनस्टेबल होगा, ये सिस्टम का कोई ना कोई रूट प्योरली इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है अगर हमारी कोई सिस्टम में अनस्टेबिलिटी है। अदरवाइज अगर इस तरीके का फंक्शन है जहां पे सारे कोफिशिएंट्स हैं और सबका साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो हम ये कह सकते हैं कि अब हम स्टेबिलिटी एनालिसिस के आगे बात कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमें दो रोज बनानी, सबसे इंपॉर्टेंट दो रोज कैसे बनेंगी। सबसे पहले क्या है, अगर आपने एन एन यहाँ पे सबसे पहला एलिमेंट लिया एन, ठीक, तो यहाँ पे एस की पावर एन आ रही, तो आपको अल्टरनेट एलिमेंट्स लेने हैं। अगर ये एन मान लीजिए एट है हमारा, तो अब इसका अगला जो कोफिशियंट आपको लेना होगा वो मान लेते हैं, अगर सपोज करिए एन की वैल्यू 8 है तो अगला जो कोफिशियंट लेना होगा वो एन इक्वल्स टू 6 का लेना होगा, फिर एन अगला जो लेना होगा एन इक्वल्स टू 4 का लेना होगा, इसी तरीके से अगला जो लेना होगा वो एन इक्वल्स टू 2 का, एंड सो ऑन। तो पहली रो जो बनी हुई है इसमें अल्टरनेट एलिमेंट से बनी हुई है पहली रो। तो यहाँ देखिए सबसे पहले एस की पावर एन को देखा, तो सबसे पहला एलिमेंट जो एस की पावर एन है उसका कोफिशियंट ए नॉट, इसी तरीके से एस की पावर एन माइनस टू का कोफिशियंट ए टू, तो हमने यहाँ पे इसको लिख दिया a2, इसी तरीके से फिर एक छोड़ के फिर a4 फिर a6 यहाँ पे आ गया। अब उसके बाद अगला देखेंगे, अगला हमारा क्या, s की पावर n माइनस वन। अब s की पावर n माइनस वन में क्या a1 आएगा, फिर हम इसको छोड़ेंगे उसका अल्टरनेट लेंगे, तो यहाँ पे a1 a3 a5 कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये दो रो तो हमारी क्या हो गई, बिल्कुल इंपॉर्टेंट दो रोज हो गई, एज इट इज जैसे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगी आप देख के लिख दीजिएगा। ठीक है, ये दो रोज हमारी इंपॉर्टेंट, इनको आप बिल्कुल समझ लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद लास्ट रो हमारा ये बताएगा कि अगर हमने राउत एरे में कोई गलती की है सॉल्व करने में, तो राउत एरे में ये जो एलिमेंट है इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का an, लास्ट में आपका ये an ही आना चाहिए। अगर आपने ऊपर कोई गलती की होगी सॉल्व करने में तो ये an नहीं आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब कोई कैलकुलेशन मिस्टेक है और an की वैल्यू आपको ऑब्टेन नहीं होगी, लास्ट एलिमेंट आपको an ही मिलना चाहिए। तो ये तीन चीजें आपको ध्यान रखनी है बिल्कुल, किस तरीके से राउत एरे बनाना है। ठीक, अब हम लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन है कैसे राउत एरे बनेगा उसको समझते हैं। राउत एरे में हमको क्या वैल्यूज निकालनी है, अब आगे की जो ये एस की पावर्स हैं, ये देख रहे हैं यहां से लेकर यहां तक की जो एस की पावर्स हैं,
इनके ये सब कोफिशिएंट्स आपको निकालने हैं, B1, B2, B3, C1, C2। कैसे निकलेंगे इनको देख लेते हैं। सपोज करिए हमको B1 की वैल्यू निकालनी है, सपोज करते हैं हमको B1 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगी ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे A1 मल्टीप्लाई होगा A2 से, ठीक, यहाँ पे लिखा मैंने A1 मल्टीप्लाइड बाई A2। उसके बाद A3 मल्टीप्लाई होगा A0 से, यहाँ पे लिख दिया A3 मल्टीप्लाइड बाई A0 से, और ये माइनस का साइन, जैसे डिटर्मिनेंट लेते हैं आप बिल्कुल वैसे ही यूज कर रहे हैं, डिटर्मिनेंट का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, और डिवाइडेड बाई A1, डिटर्मिनेंट हमारा आ गया B1। तो B1 से हमको क्या मिल गया, हमारे पास इस तरीके का इंटरप्रिटेशन मिल गया, ठीक है, B1 की वैल्यू हो गई। इसी तरीके से फर्दर मूविंग अहेड, अब हमको वैल्यू किसकी निकालनी, सपोज करिए B2 की, B2 की वैल्यू कैसे निकलेगी, अब क्या करेंगे, A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A4 से, देखिए A1 को A4 से मल्टीप्लाई किया गया, फिर माइनस A5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, A0 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये देखिए A5 को A0 से मल्टीप्लाई किया गया, माइनस लगाया गया, और फिर से क्या होगा, A1 क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे देखिए A1 हमारा क्या आ गया डिनोमिनेटर में, सब में देखिए यहाँ पे A1 हमारा क्या आ रहा है डिनोमिनेटर में आ रहा है। अब फर्दर देखते हैं, सपोज करिए B3 की वैल्यू निकालनी, कैसे निकलेगी B3 की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर सपोज करिए मैं लिखता हूँ B3 की वैल्यू, आप लोग ध्यान से देखिएगा, B3 के निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब A1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, A1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे A6 से, और यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं तो यहाँ लिख सकते हैं A1 मल्टीप्लाइड बाई A6, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है, जीरो मान लेते हैं, जीरो मल्टीप्लाइड बाई A0, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा A1, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी B3 की हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से अब हम लोगों को सपोज करिए C1 की वैल्यू निकालनी, वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ C1, हाउ वी विल फाइंड आउट द C1, कैसे निकलेगा बेटा C1, देखो C1 कैसे निकलेगा, C1 में भी कॉन्सेप्ट क्या है, अब हम लोग को ये दोनों रोज को कंसिडर करना है, ठीक है, ये दोनों रोज को कंसिडर करेंगे, तो सबसे पहले क्या होगा, B1 मल्टीप्लाई होगा A3 से, यहाँ पे लिखा B1 मल्टीप्लाइड बाई A3, उसके बाद B2 मल्टीप्लाई होगा A1 से, लिखा B1 मल्टीप्लाइड B2 मल्टीप्लाइड बाई A1 लिखा, और डिवाइडेड बाई किससे आ जाएगा, B1 से आ जाएगा, यहाँ पे B1 लिख दिया, ठीक है, यहाँ से हमको वैल्यू क्या मिल गई, यहाँ से वैल्यू हमको क्या मिल गई, C1 की मिल गई। अब इसी तरीके से अगर हम सबको C2 की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, B1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे A5 से, यहाँ पे हम लिख देते हैं C2 की वैल्यू क्या होगी, B1 मल्टीप्लाई किससे होगा A5 से, ठीक है, माइनस B3 किससे मल्टीप्लाई होगा, B3 मल्टीप्लाई होगा A1 से, तो यहाँ पे लिख देंगे B3 मल्टीप्लाइड बाई A1, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास अगेन B1, तो यहाँ से हमको C2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, यहाँ से हमको C2 की वैल्यू मिल गई। तो ये बेसिक फंडामेंटल है हमारा। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल लेंगे और इस तरीके का जो राउ तैयार है उसमें सारी वैल्यूज को हम लोग फिल करेंगे और देखेंगे क्या जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया वो आपको समझ में आया है नहीं, ठीक है। चलिए ये आपकी स्क्रीन पे एक न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में हम लोग बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट करेंगे, पहले राउ तैयार का फोकस करेंगे, पहली रो बनाएंगे उसके बाद दूसरी रो बनाएंगे। तो सपोज करिए यहाँ पे सबसे पहले हम कोफिशियंट लिख देंगे, जो भी मैक्सिमम कोफिशियंट है वहां से, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा S4, उसके बाद हमारा आएगा S3, उसके बाद हमारा आएगा S2, उसके बाद हमारा आएगा S, और उसके बाद हमारा आएगा S की पावर 0, ठीक है। अब यहाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, S की पावर 0 हमारे पास याद रखिएगा, ये वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए 50 आनी चाहिए, क्रॉस वेरीफाई करेंगे तो 50 आनी चाहिए, ठीक। यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं, S की पावर 4 का कोफिशियंट क्या है 1, अल्टरनेट लिखना है, अब 4 का लिखा तो उसका 2 का लिखना है, 2 का कोफिशियंट क्या है 20, ठीक, फिर S की पावर 0 का कोफिशियंट क्या है हमारा 50, ठीक है। इसी के बाद S क्यूब का लिखते हैं, S क्यूब हमारा क्या है 5, उसके बाद S का क्या है हमारा 40, ठीक, और यहाँ उसके बाद कोई एलिमेंट नहीं तो उसको एज इट इज ब्लैंक पड़ा रहने देंगे, ठीक। अब S2 की वैल्यू निकालनी, S2 की वैल्यू निकालनी है, कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, क्या करना है हम लोग को ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्या करेंगे, इस 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ पे 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 माइनस 40 मल्टीप्लाइड बाई 1, 40 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, और इसको डिवाइड किससे कर देंगे 5 से, 5 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आएगी,
बताइए सब लोग बेटा यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी। यहाँ पे वैल्यू अगर सपोज करें 20 इंटू 5 किया हमने तो 100, 100 माइनस 40 किया तो 60, और 60 डिवाइड बाई 5 किया तो हमको ये वैल्यू मिल गई 12। ठीक, अब इसी तरीके से यहाँ पे वैल्यू निकालनी है हमको, कैसे करेंगे? अब क्या करेंगे, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से। यहाँ पे कोई एलिमेंट है नहीं, मान लेते हैं इसको 0 मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 1, और डिनोमिनेटर में हमारा क्या आ जाएगा, अगेन 5। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, 5 मल्टीप्लाइड बाई 50 डिवाइडेड बाई 5, यहाँ वैल्यू हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्टली क्या आ जाएगी, 50। ठीक है, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 50। यहाँ के कोफिशियंट को देखते हैं, अब क्या करेंगे हम लोगों, हमको खाली क्या करनी है, ये दोनों रो को कंसिडर करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर से लिखते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 मल्टीप्लाइड बाई 40, ठीक है, 12 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 और डिवाइडेड बाई 12 कर देंगे। सॉल्व करिए इसको, बताइए क्या आ रहा है, फिर देखिए इसको कैसे होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 40 माइनस 50 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो ये अराउंड वैल्यू आ जाएगी आपकी, मान के चलते हैं हम लोग इसको 115/6 आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिएगा इसको कैलकुलेटर से आप लोग, ठीक है, अभी मैं इसको 115/6 लिख रहा हूँ। यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी, इस जगह पे कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि अब एलिमेंट्स हमारे क्या है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे अगर हम इंटरप्रिटेशन लेंगे तो ये क्या होगा, 12 मल्टीप्लाइड बाई 0, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाई 5, 0, तो यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी नहीं, तो इसको 0 पड़ा रहने देंगे या फिर ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, कोई मतलब नहीं इसका, क्योंकि जो भी हमारा केस, जो भी स्टडी है वो हमारी पहले कॉलम पे है। ठीक है, हमें फर्स्ट कॉलम पे ही फोकस करना है राउटर में, ठीक है, फर्स्ट कॉलम पे ही फोकस करना है, और जैसे अभी मैं राउटर बनाना आपको बता दूंगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरीके से फर्स्ट कॉलम पे फोकस करना है। ठीक, अब यहाँ पे 115/6 आ गया, अब हम लोग एस नॉट एस की पावर 0 का निकालते हैं वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, 115/6, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 50 मल्टीप्लाइड बाई 50 माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 12 और डिवाइडेड बाई, ये क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा 115/6, तो यहाँ पे आप देखोगे ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 के बराबर आ जाएगी। इसका मतलब हमारा राव तरह क्या है, बिल्कुल सही बना है, हमारा राव तरह क्या है, बिल्कुल सही बना है। ठीक, सारी वैल्यूज आप ले लीजिएगा, अब इस क्वेश्चन की आप स्नैपशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से हम लोग राव तरह का कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं। तो हमारा ये पर्टिकुलर आ गया कॉन्सेप्ट, अब हम लोग देखेंगे किस तरीके से राव तरह बनाएंगे। ये सारे जो कैलकुलेशन है, मैं इन कैलकुलेशन को इरेज कर रहा हूँ, और आपको इंटरप्रिटेशन बताने के लिए मैं सीधे सीधे वैल्यूज को पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वैल्यूज को पुट करने पे मैं सीधे सीधे वैल्यूज लिख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से, एस की पावर 4, एस क्यूब, एस स्क्वायर, एस की पावर 1, एस की पावर 0, यहाँ पे मेरा है 120/50, ठीक है, उसके बाद ये हमारा 5 था, ये 40 था, ये हमारा 2 है, ये हमारा कितना है, 50 था, ये हमारा था 115/6 था, और ये हमारा क्या है, 50 था। फर्स्ट कॉलम पे फोकस करना है। अब समझिए किस तरीके से राव तरह लगता है। देखिए, अगर हमारे पास फर्स्ट कॉलम जो है हमारा, ठीक है, फर्स्ट कॉलम में अगर हमारे पास कोई भी साइन चेंज नहीं होता, नो साइन चेंज, तो इसका ये मतलब है सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल। सिस्टम हमारा क्या है, स्टेबल, और जितने भी हमारे नंबर ऑफ पोल्स हैं वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, LHP पे लाई कर रहे हैं। बस यहाँ पे नंबर ऑफ पोल्स बता रहे हैं LHP पे कहाँ लाई कर रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि कौन से पोल की क्या वैल्यू है, खाली नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल्स हमारे कितने लाई कर रहे हैं, सारे हमारे LHP पे लाई कर रहे हैं। ठीक, तो नंबर इसके इसमें कितने पोल्स होंगे, 4 पोल्स होंगे हमारे, और सारे पोल्स कहाँ पे लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्लेन पे लाई करेंगे, और ये देखिए सबके साइन क्या है, पॉजिटिव, या तो ये सब पॉजिटिव होंगे या तो ये सब नेगेटिव होंगे, कहीं भी कोई भी साइन चेंज नहीं। तो अगर कोई भी साइन नहीं चेंज हुआ तो जितने पोल्स थे वो सारे पोल्स हमारे कहां लाई करेंगे, LHP पे लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्लेन पे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हुआ एग्जाम्पल नंबर 1 का।
अब एक इसी तरीके एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर इसको मान लेते हैं, यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल वन लिखा हुआ है, इसको मैं एग्जाम्पल नंबर टू ले लेता हूँ, इसको मान लेता हूँ दिस इज एग्जाम्पल नंबर टू। इस एग्जाम्पल नंबर टू में क्या करना है, हमको इन्वेस्टिगेट करना है कि सिस्टम स्टेबल है या नहीं, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे, हमने बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट यूज किया, एस की पावर 5 मैक्सिमम था, उसके कोफिशियंट्स को क्या कर दिया, अल्टरनेट मैंने अरेंज कर दिया 1, 6 और 18। उसके बाद एस की पावर 4 के कोफिशियंट्स को मैंने यहाँ पे देखिए 1, फिर अल्टरनेट 1, 12 और इस तरीके से 6। राउ तरह का कॉन्सेप्ट जैसे अभी मैंने आपको बताया पिछले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया, आप इसको सॉल्व करिएगा और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताइएगा। ऑलरेडी वैसे मैंने आपके टेलीग्राम ग्रुप और गूगल क्लासरूम में इस क्वेश्चन को डाल दिया, जिससे कि आप लोग आज की क्लास में भी डिस्कस किया है, तो इसको आप इंटरप्रेट कर लीजिएगा, नहीं सॉल्व होगा तो मुझे बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने राउत एरे बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे सब लोग देख लीजिए राउत एरे बना हुआ है, सारी वैल्यूज वेरीफाई कर लीजिएगा, लास्ट वैल्यू यहाँ पे 6 है, राउत एरे सही बनाएगा तो ये 6 की वैल्यू आएगी लास्ट में, ठीक। तो सॉल्व करने के बाद अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, देखिए समझिए, ये साइन पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव, ये साइन नेगेटिव आ गया, फिर क्या हो गया, पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव। अब यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने हैं, अगर कोई भी साइन नहीं चेंज होगा सिस्टम स्टेबल, डेफिनेटली स्टेबल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, देयर आर कोई भी सिस्टम में कोई भी दिक्कत नहीं। बट यहां पे दिक्कत क्या हुई, दो बार साइन चेंज हो रहा, देखिए S4 से S3 के बीच में साइन चेंज हुआ, पहले साइन क्या था, पॉजिटिव, फिर क्या हो गया, माइनस, और फिर उसके बाद नेगेटिव से फिर क्या हुआ, पॉजिटिव। तो यहाँ पे कितने बार साइन चेंज हुआ, एक बार साइन चेंज हुआ यहाँ पे, दूसरी बार साइन चेंज हुआ यहाँ पे, इसका मतलब नंबर ऑफ साइन चेंजेस कितने होंगे, 2। इसका मतलब नंबर ऑफ पोल्स RSP पे कितने होंगे, राइट हैंड साइड प्लेन पे भी कितने होंगे, 2। इसका मतलब अगर RSP पे पोल चले गए तो हमारा सिस्टम क्या हो गया, अनस्टेबल, सिस्टम क्या हो गया हमारा, अनस्टेबल, ठीक है, ये कंसिडरेशन हुआ। अब इसी तरीके से यहां पे देखिए दूसरा एग्जांपल है, या इसको एक मान लेते हैं एग्जांपल नंबर 3 मान लेते हैं, ठीक, इसको एग्जांपल नंबर 3 मान लेते हैं। इस एग्जांपल में भी देखेंगे पहला जो कॉलम है कोई भी हमारा साइन क्या हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम क्या है, स्टेबल है। और कितने पोल है इसमें, 4 पोल है, तो 4 पोल्स कहाँ लाई करेंगे, सारे हमारे LHP पे लाई करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड प्लेन पे लाई करेंगे, ठीक। अब इस तरीके का एक क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए कितने साइन चेंज है, अगर एग्जांपल नंबर 4 मान लेते हैं इसमें, और सिस्टम स्टेबल है या नहीं, तो सिस्टम देखने से ही पता चल जाएगा अभी आपको अनस्टेबल है। देखिए एक बार साइन चेंज यहाँ पे हुआ, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये नेगेटिव आ गया, और फिर क्या आ गया, पॉजिटिव। कितने बार साइन चेंज हो रहा है, एक बार साइन चेंज यहाँ पे हुआ, फिर क्या हो रहा, यहाँ पे साइन चेंज हुआ, फिर क्या हुआ, फिर साइन चेंज हुआ, ठीक, और फिर यहाँ पे देखोगे तो फिर साइन चेंज हुआ। इसका मतलब 6 पोल्स थे हमारे पास, 6 पोल्स थे, ठीक। तो नंबर ऑफ साइन चेंज हमारे कितने, नंबर ऑफ साइन चेंज हमारे कितने हैं, नंबर ऑफ साइन चेंज है हमारे 4। तो नंबर ऑफ पोल्स हमारे, नंबर ऑफ पोल्स हमारे RHP पे कितने होंगे, नंबर ऑफ पोल्स हमारे RHP पे क्या होंगे, 4 होंगे, और बचे दो पोल होंगे, लेफ्ट 2 पोल्स हमारे कहां पे होंगे, LHP पे होंगे, और सिस्टम क्या है हमारा, ये अनस्टेबल, ये सिस्टम क्या है, अनस्टेबल, ठीक। अब राउत हर्मिट्स के स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट वर्चुअल क्लास में, और इस स्पेशल केसेस में क्या होगा कि कभी कभी क्या होता है, किसी पूरी पूरी राउत, सपोज करिए राउत एरे इस तरीके से आपने बनाया, इस राउत एरे में कभी कभी हो सकता है कि यहां पर कोई एलिमेंट क्या हो जाए, 0 हो जाए, या फिर सपोज करिए यहाँ पे कोई एलिमेंट 0 हो जाए, तो राउत एरे के किसी पर्टिकुलर कॉलम में या फिर फर्स्ट कॉलम में अगर फर्स्ट एलिमेंट या किसी भी कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, ये जो कॉलम सपोज करिए, इस कॉलम का अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारा क्या है, 0 आ गया, तब क्या होगा। और दूसरे स्पेशल केस में हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट क्लास में, दूसरे स्पेशल केस में क्या होगा कि सपोज करिए
कि अगर हमारे पास पूरी रो जो हमारी हो जाए जीरो, तो पूरी रो अगर जीरो हो जाती है तब हम क्या करेंगे। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इन दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को हम लोग अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम सेशन को यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और अगली क्लास में मिलेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे जो कि राउत स्टेबिलिटी क्राइटेरिया को जज करता है। ठीक, सो ये वीडियो मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर दे रहा हूँ, तो आप लोग यूट्यूब पे इस वीडियो को देख सकते हो। और एक चीज ध्यान रखिएगा, कोशिश करिए जो भी आपके कलीग्स हैं उनको ये वीडियो शेयर करिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और गूगल क्लासरूम के साथ साथ आप यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हो, जो भी कमेंट बॉक्स है वहां पे कमेंट कर सकते हो, आप स्नैपशॉट्स डाल सकते हो, वहां पे भी हम चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।